यूपीए सरकार के हर नए साल के साथ आम लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। भ्रष्टाचार, महंगाई से लेकर मंदी तक सबने देशवासियों का हाल बेहाल कर दिया। लेकिन यूपीए 2 की चौथी सालगिरह पर पेश किया गया रिपोर्ट कार्ड कहता है कि देश में सब ठीक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सरकार के कामकाज में कहीं कोई खामी नजर नहीं आई। प्रधानमंत्री तो ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश की जनता उनकी तीसरी ताजपोशी भी करा देगी। यूपीए 2 की चौथी सालगिरह का महाभोज था। ये महाभोज यूपीए की तमाम सहयोगी पार्टियों के लिए थी, लेकिन इसमें यूपीए के अहम सहयोगी मुलायम सिंह यादव मौजूद नहीं थे। फिर भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हौसलों में कमी ना थी। पहले उपलब्धियों की रिपोर्ट कार्ड पेश की गई और फिर विपक्ष से लेकर मीडिया तक में हो रही किरकिरी का जवाब दिया गया। आई वुड ओनली से दैट इन मेनी ऑफ दीज एरियाज सिंस द ग्लास वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी व्हेन वी स्टार्टेड इट विल टेक सम टाइम बिफोर इट इज रियली फुल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खाली ग्लास का जिक्र कर नरेंद्र मोदी के हमलों का जवाब दिया तो सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पीठ थपथपाई। द प्राइम मिनिस्टर इज कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद ग्रेट डिग्निटी इन द फेस ऑफ अनरिलेंटिंग होस्टिलिटी एंड अब्यूज फ्रॉम द ऑपोजिशन। वी रिस्पेक्ट हिम एंड वी ऑल स्टैंड बाय हिम। यूपीए के इस जश्न के आगे चुनाव ही है, इस लिहाज से यूपीए 2 का ये जश्न आखिरी है। लेकिन ना तो सोनिया गांधी और ना ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मानने को तैयार हैं कि यूपीए का ये आखिरी जश्न है। पीएम बोले, लगातार तीसरी बार सत्ता मिली तो और कमाल कर देंगे। The 12th plan target of 8% growth for the 5-year period. This I recognize will be difficult, but it is not impossible. We have done it before, and if we receive a mandate next year, we will certainly achieve it once again. महंगाई, भ्रष्टाचार, मंदी जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कितने ही कमाल तो देश की जनता देख चुकी है। फिर सत्ता मिली तो और न जाने क्या क्या होगा। रीमा पराशर के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक।